भाई बोरा विश्वास चल पुलिस स्टेशन चल। जमानत मिल गई काका जी, उन्होंने आपको मारा क्या? नहीं बेटा, सब ठीक है। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उन लोगों ने ज्यादा पीटा नहीं। अब मेरी बेटी का ट्रांसफर। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तुमसे बड़ा छोटा सा काम हमें नहीं कर सकत। नहीं बेटा, इतना भरोसा है काका जी, आप एक काम करिए, अंदर कमरे में जाके आराम कीजिए। आइए जाइए, आइए, आराम से पंखा चालू करके सो जा रहा। मार क्या काकाला दूधाची चाप आज रे। तुम लोगों को क्या लगता है, ये सब यहीं खत्म हो जाएगा? तो जितना तुम लोग सोच रहे हो उससे कहीं भयंकर समस्या है ये। आ? जो लोग हादसे में मरे हैं, उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार, सब लोग जांच पड़ताल के लिए आवाज उठा रहे हैं। उसके लिए अभी हम लोग जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ अभी के लिए ना। तू समझा नहीं है क्या कहना चाहता है? उस महातारे के मुंह से एक शब्द भी निकला ना? अरे वो नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। किसी दूसरे ने उसका मुंह खुलवाया तो? क्या बात कर रहा है, सही बोल रहा हूं मैं? अरे कोर्ट में ढेर सारे बिगड़े हुए वकील हैं, दो चार आड़े टेढ़े सवाल पूछ लिए ना कोर्ट में तो ये बुड्ढा मुंह से हगने लगेगा कोर्ट में। और इसका थोबड़ा अगर किसी ने बाहर देख लिया ना, खोपड़ी उखाड़ के लेके जाएंगे लोग भड़के हुए इस पे। एक ढेके पे रात पड़ी ना, इसके पोपट की तरह चोंच खुलेगी इसकी। अरे देवा 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 पांडुरंगा, ये गांठ तो खुलने की जगह डबल हो गई। अब हम क्या करें? करना क्या है, उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। मतलब उसका मुंह सील दे? हाँ, तुम लोगों को भी कभी कभी राजनीति खेलनी चाहिए जैसे हम नेता लोग खेलते हैं। मतलब मतलब ये कि राजनीति में जो लोग आज दिख रहे हैं ना, वो कल नहीं दिखते। खून? अगर तुम लोग हाँ करो तो मैं। मैं नहीं मानता, राव ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई साजिश है, गड़बड़ है। बाबूजी ये सच है, उसने दुगुना पगार मांगा और हमने मना कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं मिला तो नौकरी छोड़ दूंगा। हमने कहा छोड़ दो। हाँ बाबूजी, हम लोग क्यों बेकार में बहस कर रहे हैं जबकि पुलिस ने खुद कहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इधर की पुलिस तो मुजरा भी करेगी भैया अगर पैसा मिला तो। कौन न चाहे कैसा न चाहे, एक दिन तो ये सब खुलेगा भैया। उसने ऐसा क्यों कहा? कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना है। चल ए सुनो, ये मुसीबत तो पुल गिरने से भी बड़ी हो गई है। अभी बुला लो। जी। और सुनो। जी। उसकी जरा अच्छी तरह से ले लेना वो तलाशी। हाँ? ओके सर। आजकल वो ह्यूमन बॉम्ब इधर उधर घूमते रहते हैं तो यू नो टेंशन है। जा गया। आप लोग अंदर बैठिए। कहो। पुल को बम से नहीं उड़ाया गया है और कॉन्ट्रैक्टर के ड्राइवर ने आत्महत्या नहीं की है, उसे फंसाया गया। वो सब जांच के लिए जांच समितियां बनाई गई सरकार द्वारा, जो करना चाहिए वो लोग करेंगे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिस बस में लोग मरे हैं उसमें मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था। अब परिवार कहने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। देखो इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन उस हादसे में जो लोग मरे हैं
उनके परिवार वालों के लिए सरकार मुआवजा देगी। मुझे वो भीख नहीं चाहिए। मैं उसके लिए यहां पर नहीं आया हूं। दोषियों को बचाकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं। बेटा, अगर तुम अपना काम जल्दी खत्म करोगे तो तुम्हारे बाबूजी के लिए कुछ पका सकती। बस हो गया 5 मिनट। ला मुझे दे। ना जाने किसके रिश्तेदार के लिए ये महफिल सच रही है। माँ, वो मेरे पति और बड़े भैया को ब्रिज केस में बचाने आए हैं। लेकिन भाई, वो पुल का अगर डिटेल में एग्जामिनेशन हो गया तो हम लोगों को तो लग गए ना। कोई टेंशन नहीं है उसकी। अरे जो भी ऑफिसर आएगा किसकी सुनेगा, अपनी वही लिखेगा जो हम बोलेंगे। अंजलि इधर आ, इधर आ। भाई मेरे साले ऐसे पढ़ाई में कच्ची है, वैसे बहुत पक्की है। ये साल उसका एडमिशन कर रहा था ना बेड में, बीएड टीचर की होती है ना पढ़ाई उसमें। नाम क्या है तुम्हारा? बोलना। सुना नहीं, अभी तो इन्होंने बोला था। ए ए, बर्फ डाल जा, बर्फ डाल जा। अरे मेहमानों के साथ कैसे पेश आते तुझे मालूम नहीं है? जा बर्फ लग गया। रखो उधर, रखो और अंदर जा, जाओ अंदर। हमने बुलाया उसे, उसने अभी तक शराब पीना शुरू नहीं किया है। अपने यार दोस्तों को मौज मस्ती करवाने के लिए घर की औरतों को मत घसीटा करो अंदर। तो बैठ जाओ, नहीं तो दोस्तों के सामने लुड़का दूंगा। बैठ रे बस। ऐसे हो जाए, एक खानदान में एक ही नालायक है साला। आज मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। कौन चोर? मैं चोर नहीं, पागल है क्या? मैं देख रहा था सब कुछ बराबर है कि नहीं घर में। सब बहाने तो मुझे नहीं, बाबूजी को सुनाना। पिछले 3 दिनों से तुम बाबूजी से छुप रहे हो। कौन छुप रहा है? मैं नहीं, बिल्कुल छुप रहा। मैं जब भी आता हूँ रात को तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं, और जब सुबह काम पे जाता हूँ तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे या नहीं बाबूजी? अच्छा अच्छा, मैं चलो मैं आता हूँ। बेचारे बाबूजी ने मुझसे वादा किया था कि इस महीने की पेंशन से मुझे चूड़ीदार खरीद के देंगे। तुमने वो पैसे भी उनसे मांग लिए, बोला एक दिन में वापस लौटा दूंगा। पैसे भी गए और चूड़ीदार भी। तुम चलो बाबूजी के पास चलो। बाबूजी ये रहा आपका मेंढक जो बारिश के बाद छुप गया था। चश्मा उतार क्यों दिया, लगा के रख। अपने बाबूजी को भी तो देखने दे कैसा लग रहा है। लगा। वाह खूब, ये छाता, ये बस्ता, ये चश्मा, क्या ये सब? सड़क के जोशी की तरह वो एक तोता और खरीद लो, सड़क पर बैठ जाओ, जितना कमाते उससे ज्यादा कमाओगे। ये बोल के कि तू मुझे 1 घंटे बाद पैसे लौटा देगा, तू पैसे लेकर गया। 5 दिन हो गए हैं, ना पैसा नजर आया ना तू। वो जो म्युनिसिपैलिटी, वो जो चेक है, वो पैसे भी गए। लेकिन आप मुझे निकम्मा मत समझिए, आज नहीं तो कल ये सचिन टिचकुले बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनके दिखाएगा, और बाबूजी उसके लिए मैंने सारी चलाकियां सीख ली हैं। तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ये खूबियां तुझे पैदाइशी बख्शी हैं। पिछले शनिवार से मेरी राशि बदल चुकी है बाबूजी, अब आप मुझे एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखोगे। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का कंस्ट्रक्शन, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का ट्रक, ये सारी चीजें घर के सामने रखने के लिए हमारे पास जगह तक नहीं होगी बाबूजी, पता है आपको। तू मुझ पर एक एहसान करेगा? बोलो, आप जो बोलोगे करूंगा मैं। 2 टिचकुले में से मेरा टिचकुले निकाल दे, लोग जितनी गालियां तुझे दे रहे हैं उसमें मैं भागीदारी नहीं चाहता हूं। लेकिन बाबूजी एक दिन आपको मुझे पे गर्व होगा। निकल यहां से। धोती तो छोड़ दे।
अब और क्या? वो एक 100 रुपये और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। ये भूतनी का नहीं सुधरने वाला।